प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज जो आपसे बात करूंगा वो है मसीह का उद्देश्य क्या है। मसीह यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। आप जब इस जगह पर आए तो आपका यहां आने से पहले का मकसद था। आप में से बहुत से लोग बीमार हुए, तकलीफों में आए, या दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए आए, या फिर सुसाइड की स्पिरिट अटैक करती थी उससे बचना चाहते थे, या फिर उससे भी सरल बोलता हूं केवल शांति पाना चाहते थे। और आपने किसी से सुना, हो सकता वो रिक्शे वाला हो सकता वो बस वाला हो सकता वो आपके बगल में रहने वाली कोई पड़ोसन हो सकता है चर्च का कोई बिलीवर हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बिल्कुल जानता नहीं था, इस चर्च का मेंबर तक नहीं था, लेकिन उसने फिर भी आपसे कह दिया, मेरी बहन, मेरे भाई, वहां चले जाओ, आप आजाद हो जाओ। उस भवन में चले जाओ, आपको शांति मिल जाएगी। और आपने यहां आने का निर्णय किया, डिसीजन लिया और आप यहां आए। आप बैठ गए एक महीना, दो महीने, और दो महीने बाद आपने कहा, जी मेरी भी गवाही है और यीशु ने मुझे इस भवन में बिठाकर दो महीने में ब्लेस कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और आप अपनी गवाही में कहते हैं, मेरा मकसद पूरा हो गया। आपका मकसद पूरा नहीं हुआ, ये यीशु का मकसद पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपने उस गवाही में क्या कहा मालूम, किसी ने मुझे यहां के विषय में बताया। और वो जो किसी शब्द है उसकी स्थापना करने वाले का नाम पवित्र आत्मा है। ध्यान से सुनिएगा, आज मैं जो आपको बोलना चाहता हूं वो सिर्फ ये है, प्रभु यीशु मसीह को क्यों इस संसार में आना पड़ा, क्या करना चाहते थे यीशु मसीह। आप अपने बच्चे के एडमिशन स्कूल में करवाते हैं, आपके पास एक उद्देश्य होता है। आपका बच्चा बड़ा हो जाता है और आप अपने बच्चे से पूछते हैं, बेटा अब आपने स्टडी कर ली है, अब आप क्या करना चाहते हैं। फिर वो बताता है, बचपन में वो जो भी कहता रहा, मैं इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, हो सकता वो झूठ हो सकता है, लेकिन पूरी पढ़ाई करने के बाद वो क्या बनेगा, असली सच वो है। और वो बताता है कि पापा मैं ये बनना चाहता हूँ। बड़ा होने के बाद, पढ़ लिखने के बाद जो वो बनना चाहता है वही उसका उद्देश्य होगा। लेकिन यीशु मसीह संसार में क्या उद्देश्य लेकर आए, क्यों यीशु मसीह को इस संसार में 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर बनकर आने की जरूरत पड़ी। आज याद रखिएगा, यदि आपने ध्यानपूर्वक आज के संदेश को सुन लिया, आज की रात आपकी आशीषों की रात होगी। हो सकता आज की रात आपके बच्चे आपको व्यस्त करें, हो सकता है वचन सुनते सुनते आपका बच्चा आए, आपके गाल पर थप्पड़ मारे या आपके गाल को थोड़ा सा सहलाए और आपका ध्यान वचन से हटकर आपके बच्चे की ओर चला जाए। हो सकता है आपका ध्यान आपकी पत्नी की ओर खिंच जाए। हो सकता है आपका ध्यान वचन सुनते सुनते मच्छर की ओर चला जाए। लेकिन याद रखिएगा, यदि आपने सब जगह से ध्यान को हटाकर वचन की ओर ध्यान लगा लिया, आज की रात चमत्कार की रात होगी। क्योंकि वचन आपके लिए है और वचन का नाम यीशु मसीह है। बाइबल कहती है, पत्रस ने जब समंदर पर यीशु को चलते हुए देखा तो वह डर गया कि यह भूत है, लेकिन प्रभु यीशु ने अपनी पहचान दी और कहा, डरो मत, मैं हूं, यानी मेरा नाम यीशु है। पत्रस ने कहा, यदि आप यीशु हैं
यदि आप ही हैं तो मुझे भी कहिए आ जा। तो यीशु मसीह ने कहा आ जा, विश्वास है तो आ जा, मेरी बात पर विश्वास है कि मैं ही हूं तो आ जा। और पत्रस ने कहा ठीक है, और उसने नाव से अपना पांव बाहर निकाला, वो डूबा नहीं। दूसरा पांव नाव से बाहर निकाला, वो डूबा नहीं। उसने पहले पांव को आगे बढ़ाया, वो डूबा नहीं। उसने दूसरे पांव को आगे बढ़ाया, वो डूबा नहीं। लेकिन जय क्यों नहीं वो डूब रहा था? क्योंकि उसका ध्यान यीशु की ओर था। प्रेज द लॉर्ड। उसका ध्यान यीशु की ओर था, लेकिन जैसे उसका ध्यान हटा, किसी ने कहा नजर हटी तो दुर्घटना घटी। और उसका ध्यान जैसे यीशु मसीह की ओर से हटा, दुर्घटना घट गई। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपके सामने नहीं खड़ा, बल्कि यीशु मसीह का खरीदा हुआ व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। आज आपको अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाने की जरूरत है। यदि आप अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएंगे, यानी वचन की ओर लगाएंगे, तो आप कभी भी किसी भी लहर से ना डरेंगे, किसी भी समंदर में ना डूबेंगे, किसी भी विपत्ति में ना लड़खड़ाएंगे, किसी भी तूफान के अंदर आपको परेशानियां ना होंगी, ना तकलीफें होंगी, ना अंधकार की शक्तियां आप पर राज्य करेंगे। परंतु आपके लिए एक तूफान चलेगा और उस तूफान के अंदर केवल ब्लेसिंग्स होंगी। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, वह परमेश्वर की इच्छा से, पहली बात, यीशु मसीह इस दुनिया में क्या करने आए? वह परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए दुनिया में आए थे। एक दूसरे से बोलिए, यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए इस दुनिया में आए थे। इब्रानियों 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा देख मैं आ गया हूं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। आज यीशु मसीह दुनिया में आएंगे नहीं, वो आ गए हैं ताकि आपकी 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 आप सबकी इच्छाओं को पूरा करे। आपकी इच्छा है, आपकी बहुत सी इच्छाएं हैं, आपके अंदर बहुत सी इच्छाएं उठ चुकी हैं। आप यीशु को देखना चाहते हैं, आप यीशु को महसूस करना चाहते हैं, आप यीशु को पा लेना चाहते हैं, आप यीशु को अपने घर में लेकर जाना चाहते हैं। ये इच्छाएं हैं आपकी। आप यीशु को अपने साथ बिस्तर पर सुलाना चाहते हैं, ये इच्छाएं हैं आपकी। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है वो हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मालूम क्या करता है? यहीं पर लिखा है, तो वह दूसरी व्यवस्था को पूरी करने के लिए पहली व्यवस्था को खत्म कर देता है। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने मालूम क्या किया? पहली व्यवस्था को खत्म कर एक नई व्यवस्था को शुरू कर दिया ताकि आप सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएं।